हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका क्लास टी प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स, कल के अखबार से सेशन के 10वें नंबर में। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये जो वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को। एवरी ईयर 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बुक्स डे को, वर्ल्ड बुक डे को ऑल्सो, इसको और भी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से भी ऑब्जर्व किया जाता है, या इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक भी कहा जाता है। यह एक एनुअल इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल काउंसिल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए किया जाता है, इसमें रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। देखिए, इसके थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को ने यह डिसाइड किया कि वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, कि ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि इसी ये जो दिन है 23 अप्रैल, ये विलियम शेक्सपियर और इनका गार्सी लासो डी ला वेगा का ये डेथ एनिवर्सरी भी है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ऑथर हुए जिनका या तो 23 अप्रैल को डेथ एनिवर्सरी या फिर बर्थ एनिवर्सरी है। तो इसी को प्रमोट करने प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं, बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात ऐसे ऑथर्स हुए जिनका या तो जन्म या फिर मृत्यु 23 अप्रैल को हुआ था, इसीलिए इस डे को चुना गया है। ओके, अब ये 2020 का जो वर्ल्ड डे बुक्स है, वो वर्ल्ड डे बुक और कॉपीराइट डे है, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है कुआलालंपुर में, मलेशिया में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020, वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020 कौन से शहर को चुना गया था? तो आप बता सकते हैं कि कुआलालंपुर मलेशिया को चुना गया था। ठीक है, ये क्यों चुना गया है? वॉज सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। मलेशिया में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड एक्सेसिबल रीडिंग फॉर ऑल पार्ट ऑफ द सिटी इन पॉपुलेशन। इसका थीम क्या है? थीम और स्लोगन जान लेते हैं। इसका स्लोगन है कि एल बक्का केयरिंग थ्रू रीडिंग। द प्रोग्राम फोकस ऑन फोर थीम्स, इसके चार थीम्स है, रीडिंग इन ऑल इट्स फॉर्म। दूसरा थीम है डेवलपमेंट ऑफ द बुक्स इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा थीम है इंक्लूसिवनेस एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। और लास्ट जो थीम है, चौथा, एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू रीडिंग। ये चार इसके थीम है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो आप बता सकते हैं कि यूनेस्को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इस बार का जो कैपिटल, वर्ल्ड बुक का कैपिटल जो है वो कौन सा है? तो कुआलालंपुर है। और थीम क्या है? तो थीम देखिए, चार थीम है, या ये भी पूछा जा सके कितने थीम थे, तो चार थीम है। ठीक है, कौन कौन से थीम है? रीडिंग इन ऑल इट्स फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ द बुक्स इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है इंक्लूसिवनेस एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, और लास्ट वन एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन थ्रू रीडिंग। ओके, तो ये चार इसके थीम है, स्लोगन है केएल बक्का केयरिंग थ्रू रीडिंग। ओके, आइए अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। 2020 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास 140, 145, 151, 142, 127। ये पांच ऑप्शन है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 142। अभी जो इंडिया है वो इसको ये 2 पॉइंट नीचे चला आया है। पहले इसका 2019 में ये रैंक था, 2019 में 140 रैंक था, 2020 में 142 हो गया, रैंक इंक्रीज हो गया है, या आप बोल सकते हैं रैंक डिक्रीज हो गया, नंबर में इंक्रीज हुआ, ऐसे डिक्रीज हो गया। इसको कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑल्सो नोन एज रिपोर्टर्स सन्स फ्रॉन्टियर, RSF। ये जो है एक लीडिंग इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, दैट सेफ गार्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इट सर्वे द स्टेट्स ऑफ द मीडिया इन 180 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज। ये 180 कंट्रीज और टेरिटोरीज के मीडिया को
वर्ल्ड फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम एक्सप्रेशन के बारे में ये सर्वे करता है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंडिया का जो रैंक है वो 142 यानी दो टू पॉइंट्स बिलो हो गया है, 140 से 142 हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आगे देखते हैं आरएसएफ क्या है। आरएसएफ रिसेंट रिपोर्ट एट्रिब्यूट्स इंडिया रैंक टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टाइटनिंग इट्स ग्रिप ऑन द मीडिया एंड प्रेशराइजिंग इट टू द टो ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इन लाइन गवर्नमेंट्स लाइन। देखिए, ये रैंक आरएसएफ ने कई सारे पैरामीटर पे दिया है। एक तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मीडिया को के ऊपर बहुत ज्यादा अपना दबदबा बना के रखा है और प्रेशराइज किया है कि आप हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट लाइन की तरफ इसे ले जाइए। जैसे आप लोग टीवी में भी डिबेट्स देखते होंगे तो ज्यादातर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स ज्यादा देखने को मिलते होंगे, अदर इशूज पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। दूसरा देखिए, अमंग अदर इशू, दूसरे इशू में क्या है, इट हैज लिस्टेड कोऑर्डिनेट सोशल मीडिया हेट कंपेन। आजकल देखेंगे फेक न्यूज और हेट कंपेन बहुत चलाया गया अगेंस्ट जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग ऑन इशूज दैट अनॉय हिंदुत्व फॉलोअर्स, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन टू गैग जर्नलिस्ट क्रिटिकल ऑफ अथॉरिटीज एंड पुलिस वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट। देखिए, बहुत सारे इश्यूज देखे गए इसमें कि कोऑर्डिनेट ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारे जो लोग जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर जब सवाल खड़े करते हैं तो क्या हुआ कि हेट कंपेन उनके उनके ऊपर चलाया गया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अदर जगह पे। जैसे आप रवीश कुमार को देख सकते हैं, ऐसे कई सारे पत्रकार हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके जो किसको ज्यादा क्रोधित करता है, अनॉय हिंदुत्व फॉलोअर्स, जो हिंदुत्व के फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन टू गैग जर्नलिस्ट क्रिटिकल, इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2019 में कई सारे जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया गया था, जिसमें एक नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ट्विटर पे भी वो काफी फेमस थी, गौरी लंकेश, ठीक है, तो उनके बारे में आपने सुना होगा। और ऐसे क्रिटिकल ऑफ अथॉरिटीज एंड पुलिस वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, और भी आपने एक इशू देखा होगा, ऐसे बहुत सारे इशू है, उसमें मैं एक इशू आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैके आपको केस आया था यूपी से जहाँ पे बच्चे नमक रोटी खा रहे थे, तो जिस जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया था इसे, उस जर्नलिस्ट को ही जेल में डाल दिया गया कि आपने ऐसा रिपोर्ट किया तो रिपोर्ट क्यों किया, ये आपके दायरे में नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसे करके उनको डाल दिया गया था जेल में। आगे देखते हैं क्या है। उसके अलावा रिपोर्टर ऑल्स जो ये आरएसएफ है, इन्होंने और क्या किया, रैंक इज हैवली अफेक्टेड बाय सिचुएशन इन कश्मीर। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर के सिचुएशन को भी लिया, जहां से कोई भी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट करना, वर्चुअली रिपोर्ट करना जर्नलिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था, उनके जॉब को वो नहीं कर पा रहे थे सही ढंग से, तो इस कश्मीर के मुद्दे को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। आगे देखते हैं, विदाउट विद नो मर्डर ऑफ द जर्नलिस्ट इन टू इन इंडिया इन 2019 अगेंस्ट एज अगेंस्ट इन 6 इन 2018। देखिए, 2018 में 6 जर्नलिस्ट का मर्डर हो गया था, लेकिन 2019 में ऐसा कोई केस नहीं था। इससे ये दर्शाता है कि जर्नलिस्ट को सिक्योरिटी तो मिली है, ये सिक्योरिटी लेवल इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हाउएवर देयर हैव बीन कॉन्स्टेंट प्रेस फ्रीडम वायलेंस, लेकिन कंटिन्यूअस जो है कि प्रेस फ्रीडम के ऊपर तो वायलेंस हुआ ही है, तो इसीलिए ये इंडेक्स में दो अंक नीचे चले गए हैं। आगे देखते हैं, अमंग अदर नेशन। देखिए, अब अदर नेशन में कौन कौन से हैं, जैसे टॉप की जो कंट्री है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये जो तीन कंट्री हैं टॉप की, फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में सबसे पहले आते हैं नॉर्वे, उसके बाद आता है फिनलैंड, उसके बाद आता है डेनमार्क, उसके बाद है स्विट्जरलैंड, ये चार टॉप कंट्री हैं, ठीक है। वर्ल्ड कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया देखिए 180 नंबर पे है, मतलब उसमें ब्लैक लिस्टेड है वो। वियतनाम जो है 175 पे है, सीरिया जो है 174 पे है, वेयर सम ऑफ द लोवेस्ट रैंक्ड। ये इन्हें जब मैप में आप देखेंगे इनको, तो इनको ब्लैक लिस्टेड डाला गया है, मतलब यहाँ पे मीडिया की हालत तो इंडिया से भी खराब है। इंडिया रैंक बेटर देन इट्स नेबर पाकिस्तान, नेबर पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये थोड़ा अच्छा है, 145 है, लेकिन एंड बांग्लादेश 151, इनकी हालत और इंडिया से भी खराब है, बट वर्सर देन श्रीलंका। श्रीलंका की जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 127 है, और नेपाल की जो है 112 है। ओके, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान हैड लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, नेम द सैटेलाइट। हाल ही में ईरान ने एक मिलिट्री ऑर्बिट से एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है ऑर्बिट में, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? सैटेलाइट ऑप्शन है नूर, ओमिड, फेजर, नवीद और रसद वन। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है नूर। देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय ईरान रेवोल्यूशनरी ग्रुप गार्ड कॉर्प्स, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, द सैटेलाइट लॉन्च कम्स एमिड हाइटेनिंग टेंशन विद यूनाइटेड स्टेट ओवर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आप लोग जनवरी महीने में देखे होंगे कि एक ईरान के जो कमांडर थे उसको अमेरिका ने मार दिया था। तो इसके बाद न्यूक्लियर डील में इनके साथ तो इनके बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, हाई टेंशन, बहुत ज्यादा इनके बीच में टेंशन चल रहा था। ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नेम नूर, ये जो नूर सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया 22 अप्रैल को फ्रॉम सेंट्रल डिजर्ट। ओके, सेंट्रल डिजर्ट से लॉन्च किया गया। देखिए ये बोला गया है कि नूर जो है ये अर्थ की ऑर्बिट से 425 किलोमीटर की दूरी पे ये अपना मूव कर रही है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प स्टेटेड दैट इट हैड यूज्ड एड क्वेड और मैसेंजर सैटेलाइट कैरियर टू लॉन्च नोड, दे हैव हाउएवर नॉट डाइवल्ज एनी डिटेल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। इन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं बताया है, बस इन्होंने बोला है कि मैसेंजर से कैरियर लॉन्चर के थ्रू इसे भेजा गया है। और इन्होंने क्या बताया, द ओनली डिटेल दे रिवील्ड वॉज दैट द थ्री स्टेज क्वेज्ड सैटेलाइट लॉन्चर यूज्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। इसको लॉन्च करने के लिए सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है और इन्होंने कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली फेसबुक हैज बाय 9.99% स्टेक ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन इंडिया, नेम द कंपनी। रिसेंटली क्या हुआ, फेसबुक ने 21 या 22 तारीख को क्या किया था कि 9.99% स्टेक एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का खरीद लिया। तो वो कंपनी कौन सी है? जियो है, एयरटेल है, टाटा डोकोमो है, इंडिका है, आइडिया है और वोडाफोन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है जियो। ठीक है, पहला ऑप्शन है। द अनाउंसमेंट ऑफ साइनिंग और बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,474 करोड़, 43,474 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है फेसबुक का, जो कि जियो की टोटल शेयर का 9.9% ऑफ द इक्विटी स्टेक है। ठीक है, जियो ये वॉज मेड बाई जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड फेसबुक, ये तीनों मिलकर इस पर काम करे। द डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट नाउ वैल्यू ऑफ जियो, अभी जियो की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 4.62 लाख करोड़ प्री मनी एंटरप्राइज है। ठीक है, तो 4.262 लाख करोड़ है अभी जियो की टोटल वैल्यू, जिसमें से उसका 10% स्टेक फेसबुक ने, लगभग 10% बोल सकते हैं, 9.99% स्टेक खरीद लिया है। आगे देखते हैं, अपने मुकेश अंबानी सर ने क्या बोला है। देखिए मुकेश अंबानी सर चेयरमैन हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, उन्होंने बोला, कमेंटेड ऑन द पार्टनरशिप विद फेसबुक स्टेटेड दैट सिंस द लॉन्च ऑफ जियो इन 2016 द प्लेटफॉर्म वाज ड्राइवन बाय ड्रीम ऑफ इंडिया डिजिटल सर्वोदय, इंडिया डिजिटल सर्वोदय ड्रीम्स के तहत शुरू किया गया, विच एम एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन एंड टू मेक इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड लीडिंग डिजिटल सोसाइटी। ही ऑल्सो मेंशन दैट द कोऑपरेशन बिटवीन रिलायंस एंड फेसबुक विल हेल्प इन अचीविंग और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया मिशन विद इट्स टू गोल्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इस गोल में भी ये मददगार होगा, सहयोग करेगा। आते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज पर न्यू अमेंडमेंट इन द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर विल लीड अ जेल टर्म अप टू हाउ मेनी ईयर्स। अभी रिसेंटली एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 में कुछ सुधार किए गए, अमेंडमेंट किए गए। तो इस अमेंडमेंट के तहत यदि कोई भी पर्सन हेल्थ वर्कर के साथ थे, कोई भी बदतमीजी करते हुए या किसी भी तरह की नुकसान उनको करता है, तो उसको कितने ईयर तक का जेल हो सकता है।
ऑप्शन है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स, 6 मंथ और 7 ईयर्स। ये 5 ऑप्शन है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है 7 ईयर्स। 7 ईयर तक ही जेल हो सकती है। देखिए, द न्यू अमेंडमेंट इंक्लूड हेवी फाइन्स। न्यू अमेंडमेंट में ये लाया गया कि कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ कोई किसी भी तरह के बदसलूकी करता है तो उसे लगभग 7 साल की जेल हो सकती है और बहुत ज्यादा फाइन दिया जा सकता है। द ऑफेंस हैज ऑल्सो बीन मेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। इस ऑफेंस में कोई किसी तरह की बेल नहीं हो सकती है। यदि आपने इस तरह का कोई भी गलती किया है तो इसमें कोई बेल नहीं होगा और सीधे जेल, लगभग 7 साल की जेल की जाएगी। इन द केस ऑफ ग्रीवियस इंजरीज टू द हेल्थ वर्कर, यदि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है हेल्थ वर्कर्स को, और द एक्यूज कैन फेस इम्प्रिजनमेंट रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 7 ईयर्स, यदि दे कैन ऑल्सो बी पेनलाइज विद अ फाइन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 लैक्स। इसके अलावा देखिए, किसी भी तरह की इंजरी हेल्थ वर्कर को हो जाएगी, तो हेल्थ वर्कर को इंजरी हो जाएगी तो इसमें 6 महीने से 7 साल के तक के बीच में सजा होगी और 1 से 5 लाख के बीच में आपको पेनल्टी भी दिया देना पड़ेगा। सच क्राइम ऑल्सो बीन मेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, द इन्वेस्टिगेशन इन सच केस विल बी डन विद इन 13 डेज। देखिए, इस तरह के केस में जो भी इस तरह की घटना होगी उसको 30 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने ऊपर में बताया है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें कोई तरह की बेल नहीं होगी। इसके बाद दोज फाउंड गिल्टी विल बी सेंटेंस टू जेल टर्म 3 months to 5 years एंड विल फेस फाइन वर्थ ₹50,000 to 2 lakhs। जो भी इसमें गिल्टी पाए जाएंगे, देखिए बहुत तरह के लोग, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा COVID-19 में हेल्थ वर्कर्स को बहुत तरह से लोगों ने उन पर हमला कर दिया, कई बार उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा भी। तो इस केसेस में जब भी जो भी कोई पाया जाएगा तो उसको लगभग 50,000 की फाइन और 2 लाख, 50,000 से 2 लाख रुपये के बीच में फाइन, और 3 महीने से 5 साल के बीच में उनको जेल भी भेजा जा सकता है। बिसाइड दिस द अमेंडमेंट इंक्लूड प्रोविजन टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द इंजरी। अब देखिए, आपने मारपीट किया हेल्थ वर्कर के साथ तो इंजरी के लिए कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल और फॉर कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कई बार लोग गाड़ियों पर हमला कर देते हैं तो गाड़ी में डैमेज होता है तो उसकी भी कंपनसेशन भरना पड़ेगा। फॉर द डैमेज कॉज टू द व्हीकल और क्लेम ऑफ द मेडिक के द एक्यूज्ड विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ कंपनसेशन अमाउंट विच विल बी ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। क्या होगा, ठीक, डबल होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक हेल्थ वर्कर है, उसके ऊपर हमला हुआ और उसके पास एक व्हीकल था, और उस व्हीकल की आज के डेट में जो मार्केट प्राइस है, मान लीजिए कि पुराना ही है लेकिन मार्केट प्राइस उसका 5 लाख है, ठीक है, मार्केट प्राइस उसका 5 लाख है, ठीक है। तो 5 लाख का डबल कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, ओके। ये यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है और इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया है, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद ने इसे लागू भी कर दिया, इस पर साइन भी कर दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च आयुष एंड सेहत साथी ऐप। किस स्टेट गवर्नमेंट ने आयु और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है राजस्थान। आइए इसके कुछ फीचर जानते हैं। राजस्थान जो गवर्नमेंट है, इसने ये पार्टनर किया है विथ हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉप। ये जो है, ये पार्टनर है राजस्थान गवर्नमेंट इनके साथ, मेडकॉप के साथ। ये जो सर्विस है 24/7 ऑनलाइन कंसल्टेंट सर्विस है मेडिसिन डिलीवरी के लिए, जिससे टू पीपल ऑफ राजस्थान एज द स्टेट बैटल COVID-19 आउटब्रेक। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, द ऐप विच इज कॉल्ड आयु एंड सेहत साथी विल हेल्प ओवर 68 मिलियन पीपल ऑफ राजस्थान, द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड। गवर्नमेंट ने क्या क्या है कि इस ऐप के थ्रू लगभग 68 मिलियन पीपल को सहायता पहुंचेगी। आगे देखते हैं। अब इसमें ये आपको याद रखना है, को फाउंडर और CEO जो हैं मेडकॉप के, वो हैं श्रियांश मेहता। श्रियांश मेहता जो हैं को फाउंडर हैं मेडकॉप और CEO हैं मेडकॉप्स के, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत।
कैपिटल राजस्थान की आप लोग जानते हैं जयपुर है, और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिगन थर्ड फेज ऑफ सुजलम सफलम जल संचय अभियान। किस स्टेट गवर्नमेंट ने सुजलम सफलम जल संचय अभियान का तीसरा फेज चालू किया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। किस स्टेट गवर्नमेंट चालू किया है, देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने 21 अप्रैल को क्या ये थर्ड फेज इसका चालू किया, ठीक है, जो कि चलेगा, द स्कीम इज कंटिन्यू टिल 10th जून। इस अभियान के थ्रू क्या होगा, देखते हैं। अंडर द थर्ड फेज ऑफ द स्कीम, तीसरे फेज के इस स्कीम के तीसरे फेज में क्या प्लान किया गया है? प्लान टू डीपन लेक्स, रिवर्स, चेक्स डैम बिफोर मानसून। इसमें क्या क्या तीन चीजें रखी गई हैं कि जो लेक्स हैं, जो जो भी लेक्स हैं उनको और गहरा किया जाएगा, जो रिवर्स हैं उनको भी गहरा किया जाएगा, और जो डैम बने हैं उनको अच्छी तरह से चेक कर लिया जाएगा कि कहीं ओवरफ्लो होने से टूट ना जाए। कई बार हमें केसेस मिलते हैं इंडिया में कि डैम टूट गया, तो ये सब चेक करने के। इट विल ऑल्सो रिमूव सिल्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अंडर मनरेगा, ठीक है। तो इसमें मनरेगा वर्कर हैं उनको भी ये फायदा मिलेगा कि उनको रोजगार मिलेगी, और जो सिल्ट है वो भी यहाँ से हटा दिया जाए। द गुजरात गवर्नमेंट हैज प्लान टू इम्प्लीमेंट द स्कीम इन सच अ वे दैट इट विल, ये क्या करेगा इन्होंने इसलिए इस किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रूरल पॉपुलेशन में, स्पेशली द माइग्रेंट, जो माइग्रेंट हैं। द नॉर्म ऑफ कोविड-19 सच एज सोशल डिस्टेंसिंग इज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि देखिए काम तो होगा, ये सब काम तो किया जाएगा, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा स्ट्रिक्टली तरीके से। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2018 में चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी द्वारा, ठीक है, जिसमें बोला कि ये बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल रहा था। द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम बाई 60% ड्यूरिंग इट्स सेकेंड फेज। द डिस्टिलेटेड सॉयल इज यूज फॉर फार्मिंग। अब देखिए कई सारी चीजें पूछी जा सकती है, जैसे गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। गिर नेशनल फॉरेस्ट, गिर नेशनल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जिसको हम लोग सासन गिर के नाम से जानते हैं, ये गुजरात में ही है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तलाला गिर के पास है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेमस डैम पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, तो ये भी गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ पे आप लोग जानते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज लॉन्च तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग, नेम द डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है, देखिए एक केरला के एक डिस्ट्रिक्ट ने तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट कोविड-19 के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन है अर्नाकुलम, इदुक्की, कन्नौर, कोट्टम, पथनम थिट्टा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है पथनम थिट्टा। देखिए जो व्हीकल है उसका नाम दिए एक, ये जो है देखिए अभी हाल ही में बहुत सारे हम लोग के पास केसेस आ रहे थे कि हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके पास टेस्टिंग किट नहीं है, फिर जो मास्क नहीं है, पीपी सूट नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ रही थी। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला है कि एक व्हीकल के थ्रू हम लोग टेस्टिंग करेंगे और ये रैपिड टेस्टिंग होगा। द व्हीकल का नाम क्या है? कॉल्ड तिरंगा। तिरंगा का फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। देखिए तिरंगा का फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। इसको ट्राई कलर से, जो इंडिया का थीम कलर है उससे पेंट किया गया है। ये इसलिए पेंट किया गया है ताकि पब्लिक इसे पहचान पाए, ऐसे नॉर्मली लोग नहीं पहचान पाते थे, तो तब पब्लिक इसे पहचान पाए। और ये क्या करे, जो हेल्थ वर्कर है, लीव द हेल्थ वर्कर अलोन, उनको अकेले छोड़ दे, उनको काम करने दे, इसलिए ये किया गया है। आगे देखते हैं इसमें, देखिए इस जो स्क्रीनिंग होगा ये कंटेनमेंट जोन में होगा और बफर जोन में किया जाएगा, एंड इन द कैंप ऑफ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट पीपल। ये तीन चार जगहों पे किया जाएगा इससे टेस्ट, कहाँ पे? कंटेनमेंट जोन में, बफर जोन में, या फिर जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, डेस्टिट्यूट पीपल के लिए कैंप बनाया गया है वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। कोविड-19 जो कंटेनमेंट जोन है कवर है वो अप टू 3 किलोमीटर ऑफ एरिया वेयर अ पर्सन हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19।
देखिए कंटेनमेंट जोन किसे बोला जा रहा है? कंटेनमेंट जोन वो जोन होता है जहां पे मान लीजिए कि ये दो एरिया है, एक एरिया है और यहाँ पे एक पर्सन क्या हुआ कि यहाँ पे इसको कोविड-19 का यहाँ पे केस पाया गया, तो इसके रेडियस में 3 किलोमीटर के रेडियस में क्या किया जाएगा, इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और यहाँ पे सभी की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा बफर जोन जो है, बफर जोन क्या है, इसके अलावा नेक्स्ट 5 किलोमीटर को, इसके अलावा नेक्स्ट 5 किलोमीटर रेडियस को बफर जोन में लाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। और ये जो व्हीकल है ये कैसे इक्विप्ड है, इसके बारे में जान लीजिए। द व्हीकल इज इक्विप्ड विथ थर्मल स्कैनिंग एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर माउंटेड ऑन द बोनेट और टू वे माइक्रोफोन सिस्टम बाई विच पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ व्हीकल कैन टॉक टू ईच अदर, अ मोबाइल कैमरा दैट विल क्लिक फोटो ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड सो ऑन। देखिए क्या किया जाएगा, एक व्हीकल होगा, एक व्हीकल के बॉनेट के ऊपर, ये मान लीजिए बॉनेट है, तो यहाँ पे ये क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है, अंदर से एक माइक्रोफोन के थ्रू इसे कनेक्ट किया गया है और यहाँ से यहाँ पे पर्सन खड़ा रहेगा, ये पर्सन है ये खड़ा रहेगा, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा और यहाँ से अंदर बैठा पर्सन इससे क्वेश्चंस करेंगे। यदि कोविड-19 का कोई भी इसमें लक्षण पाया जाता है तो इसके लिए इसको गाइड किया जाएगा कि और क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड में और क्या चीजें हैं, आगे देखते हैं। देखिए तो वंस द क्वेश्चन आस्क्ड एंड द सिम्टम इफ एनी आर नोटेड, कोई भी सिम्टम पाया गया तो ये जो इसका जो इंफॉर्मेशन है इसको पास कर दिया जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। फॉलो अप ऑन दोज विद सिम्टम और ट्रैवल हिस्ट्री वुड बी डन बाय द पीएचसी द्वारा इसका बाकी सिम्टम और ट्रैवल हिस्ट्री जो 45 डेज के अंदर में जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको लिया जाएगा। अब देखिए ये जो व्हीकल है, अभी जो इस व्हीकल के लिए प्रोग्रामिंग जो है कुछ इस तरह से किया गया है, इसको बोला गया RSV-1 रैपिड स्क्रीनिंग व्हीकल 1। इसके अलावा इसके साथ विच विल बी प्राइमरली यूज फॉर स्क्रीनिंग पीपल, द आइडिया इज दैट, इसके पीछे आइडिया क्या है, ये जो तिरंगा व्हीकल जो स्क्रीनिंग के लिए लाया जा रहा है क्या है, एवरी RSV-1 व्हीकल के मैंने रैपिड स्क्रीनिंग व्हीकल के अलावा देयर विल बी और RSV-2 रैपिड वे स्क्रीनिंग व्हीकल 2 होगा। देखिए मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे Every 4 यानी 4 व्हीकल यहाँ पे RSV का है, तो ये 4 व्हीकल RSV के लिए रैपिड स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक व्हीकल होगा, यहाँ पे एक व्हीकल होगा जो क्या RSV-2 कहलाएगा, RSV-2। ये 4 व्हीकल जिसको पॉजिटिव पाएंगे, मान लीजिए कोई भी सिम्टम पॉजिटिव पाया गया तो यहाँ से एक पर्सन क्या करेगा, इसका सैंपल, इस पर्सन का, यहाँ मान लीजिए एक पर्सन है जिसका पॉजिटिव पाया गया, तो इस पर्सन का पॉजिटिव पाया गया तो इसका ये सैंपल कलेक्ट कर लेगा और टेस्ट करेंगे लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा और ये अभी फॉर्मेशन में है और आगे काम होगा इसके ऊपर। आगे देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक, कौन से पर्सन, किसे MD सिटी यूनियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, एन कमाकोड़ी, आर मोहन, डेविड ली, डॉक्टर विकास यादव, नवदीश। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंड कमा कोड़ी इसके डायरेक्टर MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। एंड कमा कोड़ी को रीअपॉइंट किया गया है MD और CEO में, इसमें RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको रीअपॉइंटमेंट का अप्रूवल पास किया था। इज रीअपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स और 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। रीअपॉइंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2020। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद सिटी यूनियन बैंक सिंस 2003, 2003 से ये सिटी यूनियन बैंक से एसोसिएटेड है। ही वॉज रेज्ड एज MD एंड CEO इन 2011, 2011 से ये सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO हैं। आगे देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखना है। सिटी यूनियन बैंक फाउंडेड कब कब इसको बनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 1904 को बनाया गया था। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक का हेड क्वार्टर्स कहाँ है, कुंभकोणम तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन कौन है, आर मोहन है, तो आपको दो चीज़ें पता चल गई कि कमाकोड़ी जो है ये है MD एंड CEO, आर मोहन जो है ये इसके चेयरमैन हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ हुआई
इंडिया हवाई इंडिया के न्यू सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? जय चैन, डेविड ले, आर मोहन, विनय गुप्ता, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है डेविड ले। डेविड ले को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया, हवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के सीईओ, सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया है डेविड ली को। ठीक है, ही हैज रिप्लेस्ड जय चैन हु हैज बीन प्रोमोटेड टू हैंडल एशिया पैसिफिक लेवल बिजनेस रोल। जय चैन, इसके पहले के जो सीईओ थे वो जय चैन थे, जय चैन को क्या किया गया, प्रमोट कर दिया गया एशिया पैसिफिक लेवल बिजनेस रोल के लिए, और डेविड ली को यहाँ पे इनके पद पे, मतलब हवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया है। आर मोहन के बारे में आप लोग जानते हैं, सिटी यूनियन बैंक के चेयरमैन हैं। विनय गुप्ता का नाम आप देख, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, विनय गुप्ता जो है, अभी हम लोग देख रहे थे रैपिड टेस्टिंग व्हीकल तिरंगा के बारे में, तो उसमें विनय गुप्ता जो है ये वाइस कलेक्टर हैं केरला उस डिस्ट्रिक्ट के। अब देखिए कई सारी चीजें पूछी जा सकती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है हवाई हवाई का, तो हवाई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शेंजेन चाइना में है, और सीईओ ऑफ हवाई कौन है, रेंजन गेफी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स ऑफ अप्रैल, अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहले तीन डेट के बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल फुल डे, 4 अप्रैल को नेशनल माइन अवेयरनेस डे, और 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अप्रैल को एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सिबलिंग डे। सिबलिंग डे में हम लोगों में इंडिया में देखिए रक्षाबंधन मनाया जाता है, और यूनेस्को और अदर कंट्री में ये मनाया जाता है। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व किया जाता है, 12 अप्रैल को ईस्टर फेस्टिवल डे ऑब्जर्व किया जाता है, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उनके वो ये ऑब्जर्व किया जाता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था तो इन और इसलिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के निर्माता के हिसाब से मनाया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफिलिया डे मनाया जाता है, हेमोफिलिया एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे आते हैं, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे को डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे देखते हैं, 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ हेल्थ एट वर्क, ये डे ऑब्जर्व वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, 28 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है वर्ल्ड वेटरनरी डे, और 38 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। आपके कोई भी डाउट हो तो class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें।